मेरी पिछली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी इस पेज के बारे में, स्लाइड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने देखा होगा कि हर जगह बसों के ऊपर, रास्ते में, ट्रेनों के ऊपर, या जब आप किसी स्टेशन पे वेट करते हैं तो उसका वो जो पीवी होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है अले ले ब्लू, और काफी लोग ब्लू कलर का ड्रेस पहन के, व्हाइट और रेड कलर के ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। और कल तो ज्यादा आपको दिखेंगे क्योंकि कल मैच है, ओहो 2016 यूरोप का, 2016 का मैच है फुटबॉल का। और आपने ये भी देखा है कि फ्रांस और पोर्चुगल के बीच में होगा, फ्रांस काफी मैचेस जीत के आगे पहुंच गया है। अब अले ले ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू जो है इनका झंडे का, इनका फुटबॉल का कलर है, जो इनकी टीम है उसका, अले ले ब्लू। जैसे आप किसी को उत्साहित करते हैं, किसी को बोलते हैं कि आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, कम ऑन, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तो उसको किसी को ऐसे फ्रेंच में बोलना है कि तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, किसी को मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं अले वजी, अले करो, आगे बढ़ो, चलो। अले ले ब्लू, ये ब्लू टीम है जो इनकी फुटबॉल की, उनके लिए है ये स्लोगन, है एक तरह का अले ले ब्लू, मतलब हम तुम पे भरोसा करते हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, तुम जीत के आओ, तुम आगे बढ़ सकते हो, ये तरह की मोटिवेशन स्लोगन है। तो अले ले ब्लू का मतलब ये है। और कल आपको पता है क्योंकि मैच होगा फ्रांस और पोर्चुगल का, आई होप कि फ्रांस जीत जाएगा। मेरी वीडियो सारी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लोग लाइक कर रहे हैं, काफी मुझे ईमेल्स आ रही हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो फ्रेंच सीखना चाह रहा है या जिसको फ्रेंच आती है लेकिन थोड़ी इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो उसको ये लिंक जरूर बताएं, मेरी वीडियोस के बारे में जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।